सर्दियों में बड़ा मजा आएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं मजेदार सी फोमी सी क्रीमी सी कॉफी बनाना स्टार्ट। क्रिसमस के मौके पे बड़े मजेदार सी हम बनाएंगे कोका कॉफी, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। बगैर मशीन के, बगैर किसी चीज के आप बना सकते हैं। बस आपके पास एक कॉफी का या किसी भी किस्म का एक खाली जार होना चाहिए। सबसे पहले हमने एक जार ले लिया। इसके अंदर मेरे पास ये थी नेस्कैफे की गोल्ड कॉफी। अच्छी कॉफी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर से कॉफी फ्रेश सी निकाल कर ये देखिए इसमें डाल देंगे। टेबलस्पून कॉफी डाल देने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं। चीनी डाल देने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून गरम पानी। चलिए बॉटल को हमने अच्छे से कर देना है बंद सही से, और अब हमने इसको इतना शेक करेंगे, इतना करेंगे शेक कि ये फोमी हो जाएगी, इसी के अंदर फोमी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बगैर किसी मशीन, बगैर छन्नी, हर किस्म की वीडियोस को भूल जाएंगे अगर इस कॉफी को ट्राई करें। देखिए कॉफी का कलर लाइट टोन में जाना शुरू हो गया। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको हम फोमी कर लेते हैं। टोटल टाइम मुझे 10 मिनट लगे और ये देखिए कॉफी हमारी, ये देखिए कितनी जबरदस्त सी फोमी हो गई है। ये देखिए बिना किसी मशीन के, बिना किसी छन्नी वगैरह के, बिना किसी ट्रिक के, ये देखिए जबरदस्त सी हमारी कॉफी इस टाइम पे रेडी हो गई है। चलें इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। चलें चूल्हे पे मैंने सॉस पैन रख लिया, इसके अंदर 1 कप पूरा फुल क्रीम ऑफ मिल्क डाल दें। देखिए दूध में खूब अच्छे से उबाल आ चुका है, अच्छा सा हमारा दूध पक चुका है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। चलें एक सारी चीजें तैयार हो गई, कॉफी भी हमारी फोमी हो गई है और ये देखें मिल्क चॉकलेट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसके सैंपलिंग कर। क्रिसमस का हमने थोड़ा सा सेटअप भी कर लिया। अब जो हमने ये मिल्क को गर्म किया था चॉकलेट डाल के, 1 सर्विंग कप में इसको सारा डाल दें। ये देखिए जो हमने कॉफी को फोमी किया था, इस सारी कॉफी इसके ऊपर हम इस तरह करके डाल देते हैं सारी की सारी। डाल देने के बाद कोको पाउडर मैंने स्ट्रेनर में डाल लिया था, इस सारा इसके ऊपर इस तरह करके हम डस्ट कर देते हैं। देखिए मजेदार सी हमारी कोका कॉफी पीने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।